बड़े टूर्नामेंटों के निर्णायक मैचों में दक्षिण अफ्रीका को आखिर क्या हो जाता है, यह किसी यच प्रश्न से कम नहीं है। विश्व कप के ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम गुरुवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरे सेमीफाइनल मैच में फिर चौकर्स बन गई और इसी के साथ कैप्लर वेसल्स, दिवंगत हेंसी क्रोनीय, गैरी क्रस्टन, सान पोलाक, जॉन्टी रूट्स, जैक कैलिस, ग्रीम स्मिथ, एबी डिविलियर्स से लेकर टेम्बा बाउमा तक का विश्व विजेता बनने का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने खराब बल्लेबाजी की लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी करके मैच जीतने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आखिरकार बड़े मैचों की फिसड्डी टीम का दर्जा नहीं हट पाया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर 8वीं बार विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली और अब वह 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली जोश से भरपूर भारतीय टीम से भिड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 10 विकेट पर 212 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने आसान लग रहे इस लक्ष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया। उसने 47.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए। इसमें ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और विकेट कीपर जोश इंग्लिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जाता है कि नॉकआउट मैचों में उसका प्रदर्शन स्तर दोगुना बढ़ जाता है। हालांकि इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी की कसी गेंदबाजी के कारण वह पूरे दबाव में आ गई थी। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने छोटे से लक्ष्य को तेजी से साधने के लिए तेजी से बल्लेबाजी करते हुए पहले 6 ओवर में ही 60 रन जोड़ दिए थे, लेकिन एडन मार्करम ने वार्नर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने तेजी से विकेट खोए। एक समय पर 137 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर गए थे। स्मिथ और इंग्लिस समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए टीम स्कोर को लक्ष्य के करीब ले गए। उसके बाद मिचेल स्टार्क और कप्तान पैट कमिंस ने जीत दिला दी। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण मौकों पर कैच नहीं छोड़े होते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। पिछले 7 फाइनल में से उसने 5 जीते हैं और मात्र 2 हारा है। वहीं 9वें सेमीफाइनल में यह उसकी 8वीं जीत है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र 2019 में सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारा था। दक्षिण अफ्रीका के लिए 213 ऐसा दुर्भाग्यशाली टीम स्कोर है जिसने 24 साल बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है। 1999 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में हुए सेमीफाइनल मैच में दोनों टीमों ने इतने ही रन बनाए थे और मैच टाई रहा था, लेकिन सुपर सिक्स चरण में बेहतर रन रेट के कारण ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया था। दक्षिण अफ्रीका एक समय 24 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। वहां से मिलर ने हेनरी क्लासन के साथ पारी को संभाला। मिलर ने कमिंस की गेंद पर छक्का लगाकर अपने वनडे करियर का 6ठा शतक पूरा किया। 116 गेंदों की उनकी पारी में 8 चौके और 5 छक्के शामिल रहे।